अगर आपको भी लो वैल्यू कंटेंट का एरर आ रहा है जब भी आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई करते हैं, ये ईमेल कम से कम आपको, अगर आपका वेबसाइट में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको 7 से 8 दिन में ये मेल आ जाता है कि आपका जो वेबसाइट है लो वैल्यू कंटेंट की वजह से हम इसको अप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उन स्टेप को आप कर लीजिएगा। जब भी आप उनको नेक्स्ट मतलब अप्लाई करेंगे तो आपका कॉन्ग्रेचुलेशन ही आएगा कि आपकी जो वेबसाइट है एडसेंस के लिए रेडी है और आप इसमें एड्स लगा सकते हैं। तो गाइस क्या क्या स्टेप हैं इसको, और आप इनको कहीं पे नोट जरूर कर लीजिएगा। जो जो स्टेप मैं आपको बताऊं, इसका 100% आपको गारंटी देता हूं, आप अगर ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो वेबसाइट होगा अप्रूव 100% होगा। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को राइटरी सर्विस को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह की क्वालिटी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए दोस्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपको फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपका अभी मिनिमम आपका कंटेंट होगा उनको देख लीजिएगा। आपको मिनिमम हिंदी के कंटेंट में, हाँ आपको बोल रहा हूँ इंग्लिश को छोड़ दीजिए, मिनिमम हिंदी के 21 आर्टिकल आपको लिखने हैं, 21 आर्टिकल लिखने हैं। और SEO फ्रेंडली, अगर SEO फ्रेंडली आपको नहीं बनता है तो योस्ट SEO का मदद आप ले सकते हैं। योस्ट SEO प्लगइन को इंस्टॉल कीजिए अपनी वेबसाइट में और उसकी मदद से आप अपना SEO कर सकते हैं। अगर नहीं बनते हैं तो उसके भी वीडियो मैंने बना दी, उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको भी आप देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको 21 यूनिक हाई क्वालिटी के आर्टिकल आपको लिखने हैं, उनमें SEO फ्रेंडली होने चाहिए। आपको उसमें, मैं आपको वर्ड की लिमिट बता दूं तो उसमें आपको 1000 प्लस वर्ड होने चाहिए। 1000 नीचे होंगे तो आपके 21 पोस्ट में आपको हार्ड मतलब दिक्कत हो जाएगी, आपका मिलने के कम चांसेस हो जाएंगे। अगर 1000 प्लस वर्ड यूज़ करेंगे आपको तो आपका उसका जो चांस होगा आपका मतलब 99% बढ़ जाएगा। तो अब आपको मैं दूसरा स्टेप जो बता देता हूँ वो आप अच्छे से लिख लीजिएगा। गाइस दूसरा स्टेप जो है हमारा वेबमास्टर टूल है। जब भी आप 21 पोस्ट को आप जैसे लिखते हैं उनको वेबमास्टर टूल यानी सर्च, गूगल सर्च कंसोल में आपको इंडेक्स कर देना है। हाँ जी, जो आप मतलब आपकी जो आर्टिकल्स का लिंक होता है, मतलब पेज होता है, जो आप क्लिक करते हैं तो आपका एक पेज खुल के आ जाता है, उसका एक जो ऊपर लिंक होता है उस लिंक को आप गूगल सर्च कंसोल में आपको इंडेक्स करना है। अगर आप इंडेक्स नहीं करेंगे तो बिल्कुल चांस बन जाते हैं कि आपको मोनेटाइज होगा ही नहीं आपका वेबसाइट। तो आपको वेबमास्टर टूल में आपको इंडेक्स करना ही आपको वेबसाइट को। और थर्ड मैं आपको बात कर लूँ आपको, तो इसमें आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स का लेना है। जैसे आप अभी जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हो, मतलब यूनिक और हाई क्वालिटी क्या आर्टिकल हो जाते हैं। जैसे आप मतलब मान लीजिए ओला के कोई फीचर्स बता दिए या गूगल के कोई फीचर्स बता दिए, कोई अपडेट बता दिया, इस प्रकार से अगर आप आर्टिकल 21 ही लिखेंगे तो आपका 100% आपके चांस बन जाते हैं आपका अप्रूवल होने के वेबसाइट के। और आपका अगला जो स्टेप है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल्स लिखें वो आप बिल्कुल टोटली कॉपीराइट फ्री होने चाहिए, प्लैगरिज्म फ्री होने चाहिए, बिल्कुल कहीं से कॉपीराइट नहीं होने चाहिए। एक मतलब 99% या 100% आपका यूनिक आर्टिकल होना चाहिए और हिंदी के आर्टिकल होने चाहिए। और नेक्स्ट स्टेप की बात कर लूँ तो आपको इसमें क्या करना है, जब भी आपके 21 आर्टिकल लिख जाए, मतलब आज आपने लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि आज ही आपने सर्च कंसोल में तो डाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आज ही आपने एडसेंस में अप्रूव कर दिया है, आपको क्या करना है, जब भी आप अपने एडसेंस में आर्टिकल लिखे हैं अपने ब्लॉग में तो उसको क्या करना है, उसमें इंडेक्स होने के लिए गूगल को 24 to 48 आवर्स लगते ही हैं। जैसे आज आपने कोई आर्टिकल लिखा और आपने साइड मैप में इंडेक्स कर दिया तो क्या होगा, अभी तो इंडेक्स कर दिया लेकिन वो आपका इंडेक्स नहीं होगा 24 to 48 आवर्स के बाद ही वो इंडेक्स आपकी वेबसाइट मतलब गूगल के सर्च कंसोल में इंडेक्स होगा। उससे पहले अगर आप उसको मतलब अप्लाई कर देते हैं तो गूगल के रोबोट पता कर लेंगे तो आपके कोई वेबसाइट में कोई कंटेंट है ही नहीं। अगर 24 to 48 आवर्स में आप इसको अप्लाई करते हैं तो उसको कन्फर्म हो जाता है कि आपने कितने आर्टिकल लिखे हैं, क्योंकि वो सक्सेसफुली इंडेक्स हो चुके होते हैं गूगल की साइट्स पर। और जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपको अपनी वेबसाइट का साइट मैप मतलब बना लेना है। अगर आपको साइट मैप नहीं बनता है तो गूगल मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उसकी भी, और आप जाके आप साइट मैप देख सकते हैं कैसे साइट मैप अपनी वेबसाइट का क्रिएट करते हैं और कैसे साइट मैप को मतलब बनाते हैं अच्छे से। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उस मतलब अपनी साइट मैप को बना लेंगे तो आपको वेबमास्टर टूल यानी सर्च कंसोल में आपको उसको इंडेक्स करना है।
उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ देख पा रहे होंगे साइड मैप का मतलब इसमें क्लिक करना है और आपको इसमें पेस्ट कर देना है। उसमें ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो इसमें पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो ये आपका जो साइड मैप का इंडेक्स होगा, आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा कितना आपके वेबसाइट में आर्टिकल है। तो आप नेक्स्ट स्टेप के और बढ़ते हैं। हमारा लास्ट आज का मतलब इसका क्या है, लास्ट स्टेप बता देता हूँ आपको, जो आपको बिल्कुल करना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको है। जब भी आप इमेज लगाते हैं तो उसमें आप बिल्कुल अपनी वेबसाइट का, जब इमेज आपने कोई थंबनेल बनाया तो वेबसाइट का नाम जरूर डाल दीजिए, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा, आपका एक मतलब आपकी प्रॉपर्टी टाइप हो जाएगी। आपने अपना वेबसाइट का नाम लिख लिया तो मतलब आपने कहीं से कॉपीराइट नहीं किया है, आप लोगों को खुद बनाना है, कहीं से कॉपी डाउनलोड नहीं करना है। अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं तो भी आपका कॉपीराइट कहेगा। आप फिर आप सोचते हैं कि मैं फ्री वेबसाइट वाले जो है थे उससे डाउनलोड कर लूँ, तो आपका आप देख लीजिएगा आपको 100% आपका इसमें कॉपीराइट होता ही है। आपको एक वेबसाइट भी दे दूंगा, उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो इमेज है वो कितने लोगों ने डाउनलोड किया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, कभी भी फ्री जो वेबसाइट होती है उसमें से इमेज नहीं डाउनलोड करना है, और ना ही आपको गूगल के कॉमन क्रिएटिव वो होता है लाइसेंस, उससे भी नहीं आपको डाउनलोड करना है। आपको खुद ही आपको थंबनेल अपना बनाना है। अगर आप उसके अंदर भी आप अपने कोई इमेज नहीं डालते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल होना चाहिए। तो आई होप गाइस आपको ये सब पॉइंट आ चुके होंगे अच्छे से याद। तो बिल्कुल आप अपने नोट अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर से रिपीट कर लीजिए इस वीडियो को, शुरुआत से फिर देख लीजिए। एक एक स्टेप आपको लिख लेना है, ये फॉलो कर लेंगे तो आपका जो वेबसाइट होगा 100% आप नेक्स्ट अप्लाई में ही आपका जो वेबसाइट होगा 100% अप्रूवल आके ही रहेगा। और अगर आपका वेबसाइट अप्रूव हो जाए तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि मेरा सर अप्रूवल हो चुका है, और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि दूसरे को भी मदद हो सके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चाहे को नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना आईटी सर्विस को। तो वीडियो यहीं तक रहने दे गाइस, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।